हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हस्त पुष्ट होंगे, खुश खुशहाल होंगे। चलिए, 10 बजने को आया और हम सब्जी छौंक दिए हैं अपने लिए। थोड़ा सा चाय गर्म की है, एक्स्ट्रा बना लिए थे तो गर्म करके पी रहे हैं। आज थोड़ा ढीला ढीला है तबीयत, लेकिन भी सोचे थे आज नहीं ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन हम बोले नहीं रहने दो, जो भी है जितना भी बनाते उतना मेरे लिए बहुत है। थोड़ा बहुत बनाते हैं वही आप लोग को दिखा देते हैं। तो आज हम जो बाकी है देखते हैं, हिम्मत होगा ना तो करेंगे, क्योंकि आज बहुत वीकनेस लग रहा है मेरे को। और आज शाम को जाएंगे डॉक्टर के पास, सवेरे नहीं जाएंगे क्योंकि शाम को हमको चश्मा बनाने भी देने जाना है। तो हम जो डॉक्टर को रूटीन चेकअप में दिखाते उनके पास जाएंगे, और वहीं मेरे हस्बैंड जी ऑफिस से आ जाएंगे, फिर हम दोनों जाएंगे चश्मा बनवाने के लिए, देने के लिए। क्योंकि हम फ़ोन में कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, मतलब नज़र सामने जो क्या बोलते हैं क्लोज का नज़दीक का जो विज़न है थोड़ा ब्लर हो गया है। तो ज़बरदस्ती देखते हैं ना तो मेरा आँख में दर्द होने लगता है, खींचने लगता है। तो इस वजह से हम बोले कि आज बनने दे देते हैं, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिल रहा था। और बेटा आया है तो उसको एक उसका गाड़ी मेरे भतीजे के पास है तो वो आज लेके आएगा। तो उस वजह से भतीजा था नहीं, वो बॉम्बे गया हुआ था, वरना वो ले आता मेरा बेटा, तो उसके साथ चले जाते। वैसे ओला वोला में भी जाते, लेकिन अभी मेरा काम भी था ना, तो मेरा थोड़ा काम जो बड़ा बड़ा काम है वो खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। तो आज ज़्यादा कुछ काम नहीं है, करने का मन होगा तो करेंगे, नहीं तो आज कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। चलिए, वहाँ पे हमने सब्जी छौंक दिया, क्या छौंक आपको बाद में दिखाते हैं। चाय पी ले, फिर आटा तैयार करते हैं। और आज हम अपने लिए अपने अलग कुछ बनाएंगे, क्योंकि हमको खाने का मन नहीं है रोटी वोटी। देखते हैं, चाय पीते पीते सोच रहे हैं, मिलते हैं आपसे। देखिए, मौसम एकदम साफ हो गया है, बादल चला गया है। हाँ, बीच बीच में आ जाता है धूप छांव करने, लेकिन बारिश वाला कल से नहीं है माहौल। कल जो परसों जो नहीं, हाँ कल सुबह सुबह जो हुआ था 4-5 बजे हुआ होगा, उसके बाद से नहीं है। लीजिए, मेरे हस्बैंड जी ने मंदिर का पर्दा भी खंगार दिया, सुखाते हैं घर। हमने रात को सर्फ में डोब के रख दिया था। चलिए, कैबेज की सब्जी बन गई है मेरी। अभी गर्मा गर्म पराठा बनाएंगे, आटा थोड़ा चिकना दें तेल डाल के। मेरे हस्बैंड जी को आज पराठा खिलाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, 12 बज गया है, हम नहा लिए हैं, बेटा के लिए भी आलू लहसुनिया बना दिए हैं। वो गया है, इसको इतना सर्दी खांसी हुआ है, कल थोड़ा फीवर भी था, तो उसके पापा डॉक्टर के पास ड्रॉप कर दिए हैं। फिर वहाँ से वो बैंक जाएगा अपने फ्रेंड के साथ, फिर आएगा तो खाएगा। उसको हल्दी वाला दूध दे दिया था तो हल्दी वाला दूध पी गई है। तो हम अपने लिए बोले थे हम रोटी नहीं बनाएंगे, तो हमने अपने लिए नूडल्स बना लिया है। उनको वही खाने का मन कर रहा, चटपटा सिंपल वे में बनाया है, क्योंकि गाजर वाजर नहीं था। तो कैबेज की सब्ज़ी बनाया ना, तो उसमें से थोड़ा सा कैबेज रख लिया था और ऑनियन डाल के और सिंग दाना डाल दिया। देसी स्टाइल में मटर भी डालना था लेकिन भूल गए। बहुत अच्छा लग रहा है, एक चम्मच हमने चखा। चलिए देखिए, इतना सुंदर लग रहा है, आपको पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं। तो हम खाएँ, उसके बाद कपड़ा स्पिन हो जाए तो वो भी सुखा देंगे। पर्दा भी पलटना है, सूख गया कि नहीं देखना पड़ेगा, खाना खाने के बाद जाएंगे। और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज मेरा एकदम इतना वीकनेस लग रहा है ना कि खड़ा होने का इच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी देखते हैं, जितना हम कर सकते हैं आज कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है थोड़े सा है, तो सोच रहे कौन सा करें। चलिए देखिए, हम खाने बैठे, फिर जाते हैं अगला काम करने खाने के बाद। बहुत टेस्टी बनाया है, हमने एक चम्मच चखा है नूडल्स। चलिए हम खा लेते हैं, फिर आगे का काम निपटाते हैं।
हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, अभी कितना बज रहा है? मे बी 8 बज रहा होगा, क्योंकि 8 बज रहा है, शायद 8:30 या 8 बज रहा होगा। हम गए थे मेरा रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास, और फिर वहाँ से चश्मा बनाने के लिए देने जाना था, तो वो देख के फिर मेरा दवाई बाकी था वो लेके, एक दवाई तो मिला भी नहीं अभी तक। अभी जस्ट घर पहुँचे हैं, अब हाथ पैर धोएं। सबसे पहले हम चावल हम बना के गए थे और मटर तैयार करके गए थे, बॉईल करके गए थे, टमाटर पीस के गए थे। बस हमको फटाफट सब्जी छौंकना है और रोटी बनाना है। समोसा लेने गए थे लेकिन समोसा मिला नहीं, जो दुकान में बनता था वो दुकान में बंद हो गया। चलिए अभी खाना बनाएं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा खाना बना दिया है। बाहर वो लोग खा रहे हैं, वो इतनी गर्मी लग रही है, हम एसी चालू करके रूम में आ गए खाने। पापड़ खा रहे हैं, तो देखिए हम क्या बनाए, आपको दिखाते हैं खाने में आज मेरा क्या है स्पेशल। देखिए ये येलो वाले मटर हैं, उसकी सब्जी बना दी है। राइस, हम तो राइस ही खाने वाले हैं। सलाद ले लिया है और फ्राइंस तल दिया है। चलिए हम फटाफट खाना खा लें, फिर खाने के बाद आपसे मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये साड़ी था जो पहन के हम गए थे, और एक्सीडेंट हो गया था, साड़ी फट गया, मेरा 2-3 जगह से फटा है। क्या बताएं, इतना सुंदर मेरा साड़ी। चलेगा, कोई नहीं, अभी इसका लहंगा बना लेंगे। गुजरात में एक से एक लहंगा बनाने वाले हैं, उनको दे देंगे, कि ये चौड़ा बॉर्डर का है और ये वाला मेरे को बहुत पसंद है, ये जो बांधनी प्रिंट है ना, बहुत पसंद है। अब इसका लहंगा ही बना देंगे। देखिए जहाँ जहाँ फट गया है खींच खाँच के, यहाँ भी हो गया, 2-3 जगह फटा है साड़ी, तो अभी चलेगा, अभी इसका लहंगा बन जाएगा। 500 रुपये में लहंगा बन जाएगा। इसका ब्लाउज तो है ही, वो रखा ब्लाउज तो है ही, बस दुपट्टा मैचिंग लेना होगा, नहीं तो इसका ये वाला कलर का बॉर्डर है। दिखाते हैं, देखिए इसके जो आंचल में ये बांधनी का प्रिंट है, बांधनी प्रिंट है, बाकी पूरा साड़ी प्लेन है, खाली उसका बॉर्डर चौड़ा है, तो इस हिसाब से खाली वो आंचल में मेरा बांधनी का काम है। देखते हैं जिसके पास लहंगा बनाने देंगे वो क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। फटा वाला काटना पड़ेगा ना, इसलिए चलिए इसको फोल्ड कर दिया, आज धो दिया इतने दिन बाद। चलिए फ्रेंड्स, आज तो मेरा क्या हुआ था पता है, 5:30 बजे हमको निकलना था, निकलते निकलते मेरे को 6:45 हो गया। एक्चुअली मेरा फाइल है ना, हम कहाँ रख दिए थे, डॉक्टर के पास जाने का अपॉइंटमेंट लेना था, तो वो हमने कि चलो अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे, डायरेक्ट चले जाएंगे, तो हम इस वजह से सुबह से फाइल ढूंढे नहीं। अब हम 4:30 बजे से फाइल ढूंढ रहे हैं, कहाँ है। हमें साफ सफाई में भी मेरे को नहीं दिखा, कहाँ चला गया फाइल। फिर मेरे हस्बैंड जी को कॉल किए, बेटा वहाँ से फ़ोन कर रहा है, मम्मी नीचे उतर जाना। मैं रुक जा, मेरे को फाइल नहीं मिल रहा, भाई मेरा दिमाग बहुत ख़राब करो, फाइल मिलेगा तो जाएंगे ना भाई, तो मम्मी उतर जाओ ऐसा कर रहा था। तो हम उसको दिए एक झांपड़ नीचे उतर के, हमने बक यार तुम लोग मेरे को परेशान कर देते हो, हम कुछ ढूंढ रहे हैं। फिर हम इनको पापा को फ़ोन किए कि आपको पता है मेरा फाइल कहाँ है, तो तब उन्होंने बताया कि अप्रैल महीना में कि मई में हम लोग ने फुल बॉडी चेकअप करवाया था, तो जो हॉस्पिटल ने करवाया था वो हॉस्पिटल का फाइल के साथ ही मेरा फाइल रखा हुआ है। उसके बाद से अभी तक हम नहीं गए थे, तो अभी हम गए क्योंकि मेरे को चोट नहीं ठीक हो रहा है, सूजन, दोनों घुटने में सूजन है, उठने बैठने हम नीचे नहीं बैठ पा रहे, नीचे बैठ रहे जैसे जैसे तो उठा नहीं जा रहा है, घुटना में बहुत सोइलिंग की वजह से दर्द हो रहा है, एड़ी में भी आज सोइलिंग कम है बट वो ब्लैक ब्लैक है ना, जब तक वो जाएगा नहीं मेरे को पेन होते रहेगा। तो हम कंटिन्यूसली खड़े होकर काम नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे, मतलब चलने में दर्द। कल तो इतना छटपटा गए थे रात को, दोनों पैर पे नी बैंड पहना, बाम लगा के पेन किलर खाया, तो भी मेरे को नहीं ठीक हो रहा था, पैर झटक झटक के मेरा सो रहे थे, मेरा बेटा फिर एक्यूप्रेशर करके दिया। हम लोग बाप रे, दवाई तो लेने जाना ही पड़ेगा, वरना हम अपने मन से दवाई खाएंगे और ये ठीक होगा नहीं, बहुत परेशान हो गए थे। तो आज दवाई लाए, फिर चश्मा बनने दे के आए,
आते आते फिर 8 बज गया, दवाई भी लेना था। एक आई ड्रॉप में मतलब आँख का जो दवाई था उसमें से 3 दवाई 2 दवाई वह डॉक्टर के यहाँ से ही ले आए थे जहाँ से हम आई चेकअप करवाते हैं, 2 नहीं मिला था तो 2 बाहर से लेना था, तो आज गए तो उसमें से 1 मिला 1 नहीं मिला। अब वो बोले कि कल आ जाएगा, तो चश्मा लेने के लिए ये परसों जाएंगे, तो बोले डायरेक्ट उसी दिन आप लेके आना दोनों, चश्मा भी आ जाएगा और वो भी 2 दिन बोला है 2 दिन में आ जाएगा, परसों तक आ जाएगा मेरा चश्मा, कल छोड़ परसों। हाँ तो इस बार थोड़ा अलग कलर का, पहले ब्लैक था ना, इस बार शायद मैरून में लिया है, मैरून में चश्मा लिया है। तो मैं चलो बन जाएगा, तो थोड़ा फ़ोन नहीं चेक कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे को नज़दीक का विज़न आपको जैसे पहले बताया होगा, नज़दीक का विज़न थोड़ा ब्लर हो गया है, तो हम बुक भी नहीं पढ़ पा रहे, तो इतना मेरे को मतलब ज़बरदस्ती पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसे दूर करके पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं ना, तो आँख में दर्द हो रहा है, सर मतलब खींच रहा है। हमने क्यों भाई ऐसा काम करें, वैसे हमें आइज एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो जो नहीं बोलते कि पेन लेके नज़दीक दूर नज़दीक करने से विज़न ये होता है, वो कर रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अप डाउन साइड ये सब वाला एक्सरसाइज भी चल रहा है, लेकिन एक उम्र के बाद तो कम होता ही, ये सबका ही होता है। तो मेरा भी 40+ हो गया तो जाएगा ही, उतने मेरे बाल झड़ रहे हैं, बाप रे देखिए मेरे बाल का हाल, सब जो दुनिया का प्रॉब्लम मेरे भी आ गया। तो चलिए झटपट, हम सब अच्छा हुआ था कि हम टमाटर का प्यूरी बना के गए थे, फिर मटर येलो मटर को उबाल के गए थे, चावल बना के गए थे, आटा हम दिन में तैयार कर लिए थे, हम जैसे आप बोलते हैं ना कि हम सुबह का आटा शाम को तैयार, सुबह 2 टाइम का आटा हम तैयार करके रख देते हैं, फिर जब हमको कहीं जाना होता है और जब ज़्यादा काम रहता है ऐसा, वरना तो थोड़ा थोड़ा मारते हो जाता है। लेकिन अच्छा था कि हम सब तैयारी करके गए थे, बेटा बोल रहा मम्मी भूख लग रहा भूख लग रहा फ़ोन करके, हम बोले बस हमको आगे बनाना है बेटा, हम बस 5 मिनट पहुँच रहे हैं। हम समोसा लेने गए थे कि जैसे समोसा टिक्की समोसा चाट जैसा था वो बनाने के लिए, हमको समोसा मिला ही नहीं, जो दुकान में बनता था वो दुकान बंद हो गया और जो दुकान ने चालू किया था उसने भी बंद कर दिया बनाना। हम लोग छोड़ो ऐसे खाओ अगली बार बनाएंगे, टिक्की चाट से अच्छा हमको समोसा चाट लगता है। चलिए अच्छा बना था, झटपट बनाया था, अच्छा बना था। हम तो चावल खाए, मेरे को चावल खाने का इच्छा हो रहा था, उसके साथ हमको छोले राजमा ये सब मटर मटर के साथ ना वो चावल ही पसंद है, ज़्यादातर चावल पसंद है, तो हम चावल ही खाए, खूब पानी पी लिया, आके 2 ग्लास पानी पिए थे। इतना मतलब मेरे को हड़बड़ा देता है मेरा बेटा कि हम पानी का बॉटल भर के फ्रिज में रखे थे, हम लोग जाएंगे तो लेके जाएंगे, क्योंकि हम बाहर जाते हैं ना तो पानी लेके जाते हैं, बाहर पानी पीते नहीं हैं। और वहाँ इतना प्यास लग रहा था कि अच्छा था कि मेरे हस्बैंड जी जब वहाँ आए मेरे को लेने, तो मेरे को बहुत प्यास लग रहा है, तो बोले कि मेरे पास है पानी तुम पी लो, उनको 2 बोतल देते हैं पानी का, तो उसमें से 1 बोतल में आधा पानी था वो पिए, तब जाके राहत मिला जब वहाँ हॉस्पिटल से निकले थे। बाप रे आज तो हम कुछ भी नहीं किए, लेकिन हमको रेस्ट भी नहीं मिला, सोचे थे कि दोपहर में रेस्ट करेंगे, 1 मिनट का रेस्ट नहीं मिला। चलिए अब हम सो ही जाएंगे जल्दी, तो हम क्या बोल रहे थे, चलिए ये ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, हम बहुत बोल लिए अब नहीं कुछ बोलना है। तो चलिए जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, सी यू अगेन, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।